अमन टीम एसी ट्वेल्व के द्वारा हमको जो ज्वाइन करते हुए चाहेंगे और सोल प्लेयर थ्री, क्योंकि सोल प्लेयर थ्री अभी तक रिवील नहीं हुआ। सोल प्लेयर थ्री हेक्टर को यहाँ रिवाइव देते के साथ ही टीम अमन के द्वारा हमको जो विटनेस करने को मिल जाएगा। चलिए कमाल का एक रेड डॉट स्पेस कंटिन्यू करना चाहते थे बट ज़ेनो के द्वारा उतना ही करारा जवाब है। टीम अमन थोड़ा सा पिछड़ेंगे बिल्कुल, सफर करते हुए जरूर से देखने को मिल जा रहे हैं, काले जा रहे हैं, कुछ और खिलाड़ियों को डाउन किया जा रहा है। बट लास्टली पहला पॉइंट निकला, दूसरा पॉइंट निकला, क्योंकि जैसा मैंने टीम फोर्किंग के लिए कहा था कि अगर आप एक बार लीड गवाते हैं तो मुश्किलें हो जाएंगी, कमबैक चांसेस काफी कम होंगे। बिल्कुल वही चीज टीम अगर आप शुरुआती दौर में गवा बैठते हैं इन पॉइंट्स को, लीड काफी लंबी बन जाती है तो इनकी तरफ से भी कमबैक बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। और टीम फोर्किंग एक अच्छे लीड के साथ हमें नजर आ रही है और इस लीड को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करेंगे हेक्टर थोड़ा सा धीमे धीमे करके, इस तरह से अगर आप आगे जाते जाएंगे टीम सूल के प्लेयर से गेक करके अगर ऐसे में मूव ऑन करेंगे तो मुश्किल ऐसे में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और ज़ेनो द अनस्टॉपेबल ज़ेनो यहाँ पर जो रूप है वो धारण कर चुके हैं, बट हेक्टर प्लेयर थ्री काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये फाइट निकालेंगे। बट साथ ही साथ टीम फोर किंग्स के प्लेयर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक तरफ ज़ेनो के ऊपर कमाल का प्रोन शॉट, हेक्टर को यहाँ पर सीक्रेट के द्वारा बिल्कुल इसी तरीके की परफॉर्मेंस इन्हें लगातार दिखाती रहनी पड़ेगी। और फोर्किंग यहां से अब 15 अंक अर्जित कर चुके, फोर्किंग की टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, बट जल्दी ही यहां मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। हेक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, पिक्स बैक टू बैक निकालने की कोशिश इनकी तरफ से भी चल रही है कि आप अगर अकेले बढ़ते हैं दो खिलाड़ियों की तरफ तो आपके डाउन होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से मैं बात कर लूं सीक्रेट के यहां पर खेल रहे हैं, ऐसे में टीम अमन के प्लेयर्स को बट सीक्रेट काफी ज्यादा बेहतरीन, काफी ज्यादा प्रतिभाशाली प्लेयर ऐसे में जो तैनात हो रहने वाले। चलिए इस गेम का रुख धीमे धीमे करके बदला जा रहा है कि यहां पर टेक डाउन हो रहे हैं और ये परिस्थितियां बिल्कुल भी विपरीत जाती हुई नजर आ रही। तो कॉन्फिडेंस है टीम फोर किंग के प्लेयर्स का जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इतना ओपन में आके। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस हाई रहना बहुत जरूरी रहेगा। 14 अंकों की लीड के लिए आपको समय काफी ज्यादा चाहिए जो बिल्कुल नहीं है, यहाँ से आपके पास सिर्फ 4.5 मिनट का समय बचा है और ये 4.5 मिनट मेरे ख्याल से इनफ नहीं है क्योंकि लगातार फोर्किंग की टीम सीक्रेट यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से फाइट निकाल है। बट हेक्टर ऐसे में काफी ज्यादा क्लोज रेंज क्वार्टर्स में यहाँ पर मैं बोलूंगा ये फिल को ट्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप रेड डॉट ओपन करते हो तो आपकी मूवमेंट ऐसे में कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि हेक्टर ऐसे में जो है लॉबी की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जाएंगे, हम चुगले वालों में से नहीं है और पीपीयू को भी यहाँ पर काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। कम जरूर कर लेंगे बट वो विक्ट्री है वो कहीं ना कहीं यहाँ से नहीं ले पाएंगे। 3 मिनट बचे हैं मात्र और यहाँ से हेक्टर अपनी गन को रिलोड करेंगे, मैच में कमबैक कर सकती है, शायद इस मैच को जीतती हुई नजर आ सकती है। बट अब जैसे जैसे हम अंत के करीब जा रहे हैं, जैसे जैसे समय यहाँ समाप्त होता चला जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं फिनिशर सिक्योर करने 11 पॉइंट की लीड है। चलिए अब कहीं ना कहीं उस 10 की हो चुकी है, बट सोल के प्लेयर्स यहाँ पर टीम अमन के प्लेयर्स से आगे जाना चाहते हैं, पीयूपीयू आगे जाके कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। बट वो कुछ कमाल का ये उड़ता पीयूपीयू हमको देखने को मिला है, 2 मिनट के अंदर कुछ चमत्कार हमको देखने को मिलेगा इन दोनों प्लेयर्स के द्वारा। पीयूपीयू यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करते हुए चला रहे और ये क्या ट्रेलर था, बट 25-31 थोड़ी बड़ी लीड है, आपको नहीं लगता यहाँ से ज़ेनो आगे जाएंगे और वहीं दूसरी तरफ पीयूपीयू में देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया एक्यूरेसी आप देखिए, लगातार जो बुलेट्स हैं वो हेड पर ही कनेक्ट हो रहे हैं और वो जो हेड कनेक्शन तरीके से पता है वो हेडिंग्स कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डालते हैं और वही हेडिंग्स कहीं ना कहीं लगातार फोर्किंग के खिलाड़ी देते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, बट उसी के साथ उन्हें भी ट्रेड में डाउन कर दिया जाएगा जैसे जैसे यहाँ समय कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल, ये गेम निकल गया है यहाँ पर बोला जाएगा टीम अमन के यहाँ पर हाथों से, अब एक पॉइंट चाहिए और मुझे लग रहा है अपने स्टाइल में खत्म करा जाए इस मैच को, 40 अंक यहाँ पर बटोरे जाए। और चलिए बटोर लिए हैं, 4 सेकंड बचे थे लेकिन उसमें आगे निकलेंगे टीम फोर किंग के प्लेयर्स।